बच्चों, सबसे पहले भी हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था आपके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर में एब्जॉर्प्शन, देन डिस्ट्रीब्यूशन, देन मेटाबॉलिज्म, देन भी एक्सक्रीशन में जो फर्स्ट हेडिंग डिस्कस की थी दैट वाज अ रीनल एक्सक्रीशन। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं नॉन रीनल एक्सक्रीशन। भाई, रीनल एक्सक्रीशन में ये था कि आपने एक्सक्रीशन देखनी थी थ्रू द किडनीज। नॉन रीनल एक्सक्रीशन में आपके जहन में क्या क्या आता है, ड्रग कैसे एक्सक्रीट होगी, बाइल के थ्रू होगी, फिर कहाँ आ जाएगी, उसके बाद इंटेस्टाइन में आ जाएगी, ठीक है, और कोई रूट, स्किन से, स्लाइवा से, मेमोरी, ठीक है। अच्छा बच्चों, देखो आपके पास भी हम लोग सबसे पहले एनालिस्ट कर लेते हैं कि आपके पास कौन से नॉन रीनल रूट्स हैं ड्रग के एक्सक्रीशन के। आपकी बुक के अंदर सेवन रूट्स की डिस्कशन की गई है, ठीक है। सबसे पहले एक मेरी बात याद रख लें कि भाई हम लोगों ने रीनल रूट पढ़ा। रीनल रूट में ये था कि आपकी ड्रग एक्सक्रीट करेगी यूरिन में, ठीक है, यूरिन में आ गई आपकी ड्रग, ठीक है, यूरिन में आ गई और उसके बाद एक्सक्रीट होगी, ठीक है। अब जी एक रूट जो आपके जहन में आता है दैट इज़ द फीकल, फीसिस में, फीसिस में आनी चाहिए ड्रग। फीसिस में भाई आपकी ड्रग दो तरीक़ेकार से आएगी। फर्स्ट वन इज़ कि सबसे पहले आपकी ड्रग गई बाइल में, बाइल के बाद आपकी इंटेस्टाइन में आ गई, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपकी जो ड्रग थी वो डायरेक्टली गई इंटेस्टाइन में और फिर भी फीसिस में आ गई, ठीक है। फीकल रूट ऑफ एक्सक्रीशन में देर आर टू मोड्स, दो तरीक़ेकार हैं। सबसे पहला इनडायरेक्ट, जिसमें आपकी ड्रग बाइल में गई, बाइल के बाद इंटेस्टाइन में आई। दूसरा मेथड इज़ कि आपकी ड्रग वाज इन दी कैपिलरीज, कैपिलरीज में से एब्जॉर्ब हुई और भी इंटेस्टाइन में डायरेक्टली आ गई, ठीक है। फीकल रूट में ये चीज़ याद रखना, इसको कंफ्यूज नहीं करना है। अब जी आपकी बुक में जो आपके पास इनडायरेक्ट रूट था जिसमें ड्रग आपकी बाइल में जाने के बाद इंटेस्टाइन में आ गई, उस रूट को कह दिए दैट इज़ बाइलरी एक्सक्रीशन। दूसरा रूट जिसमें भी आपकी ड्रग जो है वो डायरेक्टली इंटेस्टाइन में आ गई, कैपिलरीज में से डिफ्यूज़ कर गई, उस रूट को मैंने कह दिया गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एक्सक्रीशन, ठीक है। ये दो नाम याद रखने। अब जी इन सेवन नॉन रीनल रूट्स में से दो को हम लोगों ने ओवरव्यू कर लिया। इसके अलावा आपके पास कौन से, पल्मोनरी एक्सक्रीशन, भाई मेरी ड्रग एक्सहेल कर गई, ठीक है। अच्छा जी, किस किस्म की ड्रग्स हैं जो एक्सहेल करेंगी? डेफिनेटली ऐसी ही ड्रग्स हैं ना जो ब्लड में डिसॉल्व नहीं हो रही, जो टिश्यूज़ में डिसॉल्व नहीं हो रही, ठीक है भाई। देन वी हैव दी सलाइवरी एक्सक्रीशन। ऐसे अक्सर कुछ लोगों को सुना है कि मैंने दवाई खाई थी और मेरा मुंह कड़वा हो रहा है। बेसिकली ड्रग आपकी एक्सक्रीट कर रही थी सलाइवा में। देन यू हैव दी मेमोरी एक्सक्रीशन। लैक्टेटिंग मदर, मदर्स जो अपने बेबी को फीड करवाती हैं उनके मिल्क में ड्रग एक्सक्रीट कर जाएगी, इसलिए देखो प्रेगनेंसी में भी कहते हैं कि ड्रग्स ज़्यादा ना लें, प्लेसेंटा क्रॉस करके फिटस तक चली जाएगी। लैक्टेटिंग मदर्स को भी कहते हैं कि ड्रग्स ना लें, आपके बेबी की हेल्थ डैमेज होगी, ड्रग हो सकता है भी आपके मिल्क में आए, मिल्क से बेबी तक जाए, बेबी का सिस्टम इज़ अंडर डेवलप्ड, नॉट वेल डेवलप्ड, तो उसमें भी टॉक्सिसिटीज़ आ सकती हैं, ठीक है। देन वी हैव द स्किन और डर्मल एक्सक्रीशंस। भाई आपके पास अभी हम एक आर्टिकल भी देखेंगे, कुछ ड्रग्स हैं जो आपके बालों में, स्किन में, हेयर्स में, ठीक है, स्वेट में एक्सक्रीट कर गई। देन वी हैव दी जेनिटल एक्सक्रीशन, इसमें भी कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम जिक्र करने जा रहे हैं। भाई ये आपके पास सेवन नॉन रीनल रूट्स हैं ड्रग की एक्सक्रीशन के। ओवरव्यू क्लियर है? Yes, ma'am.